है, मारवाड़ी बोलते घर में। चाल बाद्यो, चाल बाद्यो, जिनका रूट बाद्यो। बेटा हो तो ऐसा हो, मिस जैसा। धर्मेंद्र जैसा, दोनों भाई एक जैसा। अबे अब 6 लाख की गाड़ी में घूम रहा है मेरा बेटा। अभी कैसा लग रहा है कार में घूम के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे स्टेरिंग को घुमाया करो, दाब कर। मेरी मदर को जब मैंने पहली बार गाड़ी में फटाया था ना, तो वो देख रही थी ये क्या है, ये क्या है, अरे ये ऐसा कैसे होता है। मैं मेरी मदर को देख रहा था और खुशी हो रही थी। थैंक्स सिक्योर लाइफ, थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और थैंक्स ऐसे आदर्श जिन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। यस और नो? इनके लिए जोरदार तालियां बनती कि नहीं बनती? थैंक यू। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर महेश जी के लिए, प्लीज महेश जी। तेरी निदबत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों मैं रियल बता रहा हूं, विश्वास नहीं हो रहा ये सब कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा। आज भी मुझे सपनों जैसा ही लगता, मैंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा सोचा नहीं था। अगर मेरी मम्मी आज पास में, जब मैं बेग को जब याद करता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रियल बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मजाक चल रहा है, मजाक नहीं है ये सब कुछ। बहुत खराब स्थिति से उठ के आया हूँ मैं। मेरी मम्मी को जब जब देखता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। बिल्कुल स्थितियाँ खराब थी, जब ठेला लगाया करता था अंडे का, दो लोग आया करते थे, पुलिस वाले गाड़ी लेके आया करते थे, और जब मार के जाया करते थे मेरी मम्मी को जाके बताता था मैं बोलता था मम्मी आज फिर पुलिस वाले आए, फिर परेशान करके चले गए। मेरी मम्मी बोलती थी ठीक है बेटा मत लगा ठेला, अपने तो कोई दूसरा काम कर ले, वो दूसरा कलर का काम कर रहा, तू भी उसी के साथ जा। बोला ठीक है मम्मी, मैं ठेला छोड़ूंगा, मैं परेशान हो गया। जैसे ही घर से, पूरे दिन सोचता था यार आज ठेला नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर मेरी मम्मी सामान तैयार करके रख देती थी और मैं बोलता था मम्मी तू तो बोल रही है कि ठेला नहीं लगाना है। मेरी माँ एक ही बात बोलती थी, खाएंगे क्या फिर, खाएंगे क्या अगर ठेला नहीं लगेगा। यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे लोगों को इतना देखने के बाद भी मजाक लगता है। बहुत सारे लोगों के माँ बाप यहाँ बैठे हैं। अगर मेरी माँ एक 9000 का यहाँ से पैकेज खरीदना था सर, बड़े बड़े सपने दिखा चुके थे, और मेरी मम्मी को जाके बोला, मैंने कहा मम्मी एक बार पैकेज खरीदने से मेरी जिंदगी इस काम में बन सकती है। पहले तो पापा ने मना कर दिया, बिल्कुल क्लियर कट में मना कर दिया। मेरी मम्मी यहाँ बेटे दोनों रख में गिरवे रख के पड़ोस वाली आंटी जी से 2% ब्याज पे ला के मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन कराया, और इस बिजनेस को ज्वाइन किया और लोगों को बताना चालू किया। ये दुनिया ना, दुनिया किसी पे रहम नहीं करती है। एक गरीब आदमी जब आगे बढ़ता है ना, तब ये दुनिया उसको पीछे खींचती है। बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त मना किया, बोले ऐसा हो नहीं सकता, बोले ये सब फालतू काम है, और साले तुम्हारे, तुम्हारी हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ कि तुम कभी अमीर बन सकते हो। तुम साले फटीचर की औलाद हो और तुम बुरे बुरे इंसान की औलाद हो। तेरा बाप जैसे ही मरेगा तू भी वैसा का वैसा ही मरेगा। तुम ना आज तक कुछ नहीं कर पाए। ये बातें जब लोग बोलते थे ना, यहाँ पर लगती थी लापरवाही। एक मौका था कि यार जीवन में कुछ करे,
मैं दिल से चाहूंगा उस इंसान के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जिसने एक गरीब बच्चे को जो कि ठेला लगाया करता था उस बच्चे को उठा के और हिम्मत दिलाई और विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ। एक बार अभी तक भी जो तालियां ने बजाई है उससे कई हजार गुना तालियां उस इंसान के लिए बजाई है और मैं से थैंक यू थैंक यू। अगर वो नहीं होता तो आज भी कोर्ट के बाहर ठेला लगा रहा होता मिस्टर सुखदेव सिंह रावत के लिए। जोरदार सुखदेव सिंह रावत के लिए। जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। उस आदमी ने मेरे को विश्वास दिलाया और एक ही कमिटमेंट लिया। मैंने बोला सर मैं इस काम को करूंगा। मेरा छोटा भाई आज 1.5 साल से मेरे साथ इस बिजनेस को कर रहा है। गालियां बोलता था मेरे को कि कौन सा काम ज्वाइन कर लिया है तूने, घर में मम्मी परेशान हो रही, पापा घर भयंकर झगड़ा हो रहा है, मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है, मैं जब 20-20 रुपए मांग के ले जाता था पीछे से चोर चोर बोलती थी मेरे को कि कौन सी कंपनी में फंसा जाड़ा, कुछ नहीं होता है और घर के पैसे लगाए जा रहा है यहाँ से। और 8 महीना मेरे को जब इस बिजनेस हुआ था कंप्लीट, मैंने मेरे ठेले को बंद कर दिया और मेरी मम्मी यहाँ बैठी है। जिस दिन मैंने ठेला बंद किया था ना 3 दिन तक मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया था, रोटी नहीं खाई थी और 1 महीने तक मेरे से बात नहीं की थी। बोले जाड़ा जिससे घर का खर्चा चलता है तू इस कंपनी के चक्कर में उसको ही बंद कर दिया तूने। ये मेरे सुखदेव सर बेटे इनको भी पीछे से गालियां बोला करते थे लेकिन सर ने एक ही बात बोली, महेश जी आज तक जिस भी इंसान ने इतिहास लिखा है एक बात जो उन्होंने मेरे को बोली थी वो बात मेरी यहां पर सीधी लगी थी। उन्होंने एक ही बात बोली थी, महेश जी जिस चीज पे चक अच्छा है इतिहास उसी ने लिखा है। थैंक यू। और मैं तो पागल था, मैं तो भूखा था, मेरे को तो कुछ चाहिए थी, साले लोग मना करते थे, लगातार इस काम को किया, किसी के कहने से रुका नहीं। बाप गालियां बोलता था, मेरी माँ भी गालियां बोलती थी, मेरा भाई भी गालियां बोलता था, हर आदमी को सुनता था, खाना जैसे ही खाता था मेरी माँ पीछे से बोलती थी तोड़ ले आराम के टुकड़े, साला घर में 1 रुपया नहीं देता है। मैंने बोला एक वक्त आएगा मेरा जरूर, छोड़ूंगा नहीं इस बिजनेस को। लगातार करता गया, लगातार करता गया, लगातार रुका नहीं। आज वही लड़का जो लोग बोलते ऐसा होता नहीं है, जो लोग जो माँ बाप यहाँ बैठे जो बच्चों को रोकते आज उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब है। जो ठेला लगाने वाला लड़का आज इस बिजनेस की ताकत की वजह से मेरे खानदान में 3 पीढ़ी में जिस आदमी ने जो नहीं किया वो मात्र मैंने 2.5 साल में यहाँ से करके बता दिया। अचीवमेंट की अगर बात करो, थैंक यू। लोगों को पेशेंस नहीं है, लोग जुड़ते ही पैसा आना चाहिए। साला 1 साल तक 1 रुपया नहीं आया मेरे को इस बिजनेस से, 1 साल तक 1 रुपया नहीं आया, परेशान। लेकिन उसकी नजर में कर्म करता गया, लगातार काम करता गया और 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ इसी। थैंक यू। फिर अच्छी मूवी, फिर टारगेट लगाया, फिर मैंने बोला यार अभी जिंदगी में रुकना नहीं है। पैसा अगर कमाने की बात करूं तो जो लोग बोलते हैं कि पैसा आता नहीं है, अरे साला अगर इंसान अपनी पे आ जाए ना तो क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। इसी बिजनेस की वजह से अगर बात करूं ना, पिछले 7 दिन की इनकम है मेरी 19,000 रुपए, 7 दिन की इनकम है 19,000 रुपए। और ब्यावर में लोग बोलते थे भैया ब्यावर के लोग नहीं करने वाले, ना तो इधर मात्रा ना इधर मात्रा, ब्यावर के लोग भैया बहुत खराब होते हैं। मैंने बोला साला मैं भी अपनी पे आया हुआ हूँ, काम तो करके बताऊंगा। और आज इसी ब्यावर में डंके की चोट पे काम होता है। यस और नो? थैंक यू। 1 साल बाद जब पैसा आना चालू हुआ और वो जो भाई मेरा विरोध करता था जो बोलता था ऐसा होता नहीं है,
उसको फिर मैंने चेक बताना चालू किया, मैंने देख आता है तो बोले यार भाई पैसा तो आता, मैं भी जुड़ूंगा। फिर इसने करना चालू किया, आज इस बिजनेस की ताकत की वजह से मेरा छोटा भाई 1.5 लाख की गाड़ी चलाता है और उसका बड़ा भाई 4 व्हीलर चलाता है। ये ताकत है, 1.5 लाख चलाता है मेरा छोटा भाई। आज तक लैपटॉप साला डर लगता था, छोटे भाई को लैपटॉप दिलाया, खरीदा इसने, काम करना चालू किया। आज अगर मेरे भाई की पिछले 7 दिन की इनकम बताऊं, 7 दिन की इनकम है 8,000 रुपए और उसके बड़े भाई की 7 दिन की इनकम है 19,000 रुपए। सर बोले महेश जी कार लेनी है, मैंने बोला सर कार में तो पंगा हो जाएगा, मेरे को तो चलाना ही नहीं आता है, आज तक कार में कभी बैठा ही नहीं हूं। बोले कोई दिक्कत नहीं, सब चलाना जानते हैं आप तो बस सीखो। मैंने ल रियल बात बता रहा हूँ, मेरा भाई पता है क्या बोलता है, जब जिस दिन मैं कार लेके आया था ना, मेरा भाई बोलता भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा तू कार ले आया। मैंने बोला तू तेरी बात कर रहा, मेरे को खुद को विश्वास नहीं मैं कार ले आया। यस और नो? आज रियल बात बता रहा हूँ, जो मेरी मम्मी बोलती थी ना हराम के टुकड़े तोड़ता है, आज वही माँ सुबह उठते ही 1/2 किलो भैंस का दूध मंगाती है, बादाम खुद ही कूटती है और घोलती है और पूरा हिलाती है, और जैसे ही बिस्तर से उठा ब्रश करने के बाद जबरदस्ती बादाम का दूध पिलाती है। थैंक यू। ये सर नो, और रियल बात बता रहा हूं, ये तो क्या लोग साथ छोड़ जाते हैं, साथ नहीं देते लोग, वरना साला इतना अंदर खून गरम है, एक एक आदमी को आगे तक लेके जाना है। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक कमिटमेंट लेके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, मेरे पास में इस बिजनेस की वजह से मात्र 2.25 साल के अंदर कार आई है। सर को स्टेज से दावा करता हूं और चैलेंज करता हूं, जितने भी लोग मेरे साथ में आज बिजनेस कर रहे हैं, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, साला अपनी मैया का दूध नहीं पिया अगर 1.5 साल में उन लोगों को कारों तक नहीं पहुंचाया तो कारों तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू। इसी तरीके का एक प्रोग्राम अजमेर में देखने गया था, एक आदमी यहां खड़ा था और बोल रहा था इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई एक आदमी आज इस बिजनेस में एक पैकेज खरीद के 8-9 हजार का और अगर जुड़ता है और अगर उसकी मैया ने अगर दूध पाया है तो साला 2.5-3 साल किसी के कहने पर अगर छोड़ता नहीं है, लगातार अगर मेहनत करता है तो वो खानदान का इतिहास लिख सकता है। साला उस समय मैं पीछे बैठा था, पूरी मुट्ठी को कस के पकड़ लिया था, मैंने बोला साला मैंने मैया का दूध, मैं 2.5 साल छोड़ूंगा नहीं इस बिजनेस को जब तक कार नहीं आ जाती है, छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू। खून गरम था, मैंने बोला साला अपनी मैया का दूध पिया नहीं, साला का 2.5 साल तक इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं और कार तो लाके बताऊंगा। 2.25 साल में कार लाके बताया। और आप सारे लोगों को एक आह्वान कर रहा हूं, अगर है किसी के जिगर के अंदर जिगरा और उस जिगरे के अंदर कलेजा और उस कलेजे में दम, अगर पिया मैया का दूध तो 2.5 साल किसी के कहने से इस बिजनेस को छोड़ना मत। अगर तेरे घर के अंदर कार ना आ जाए तो साला महेश कुमार सावरे अपने बाप की औलाद नहीं आएगी तेरे। थैंक यू। बस आदमी पागल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कैरेक्टर सही होना चाहिए उसका, मेहनती आदमी होना चाहिए, फर्जी आदमी नहीं होना चाहिए। फर्जी लोगों का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस, पागल और दिलदार लोगों का, फर्जी लोग तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं इधर से, सच है कि नहीं? थैंक यू। दोस्तों आज इस बिजनेस की वजह से
ठेले पे 200 रुपया कमाने के लिए इतनी मेहनत करते थे, लेकिन इस बिजनेस की वजह से अगर बात करूं तो ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीना मेरे को 70 से 75 हजार रुपया महीने का नहीं आता हो। मेहनत की ताकत। और लास्ट कमिटमेंट करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मेरी मम्मी भी यहां बैठी हुई है, अगर साला 2 अक्टूबर 2018 आज से अगले 2 साल के अंदर मेरे खानदान का पहला लड़का होऊंगा मैं, अपनी मैया का दूध नहीं पिया 2018 में 40 लाख का घर नहीं बनाया तो मैं बनाऊंगा 40 लाख का घर। थैंक यू। लो, ये बात दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि दोनों भाई एडी का जोर लगा के काम कर रहे, साला सुबह दूध पी के घर से निकलते, रात की 12 बजे जाके घर पे खाना खाते हैं, पूरा पूरा भूखे रह रहे के काम करते हैं, धुएंदार काम करते हैं, जितने ज्यादा लोगों को बताना हो उतने ज्यादा लोगों को बताते। मेरे भाई को एक ही बात बोली है, मैंने बोला साला 2018 तक जब तक हम दोनों भाइयों को मरना नहीं है, जब तक इनको 40 लाख के घर तक नहीं पहुंचा दे अपने परिवार, अपने मरने के बाद परिवार सुखी हो जाना चाहिए, बस यही आशा लेके बिजनेस को कर रहा हूं और यहां तक पहुंचा। ये मेंटर लोग बैठे हुए जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है, मैं सच बात बता रहा हूँ, इस बिजनेस को हमेशा दिल से करता हूँ मैं और हमेशा करता रहूँगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर साथ अगर रहा तो ब्यावर के अंदर ऐसा कोई चौराया, ऐसा कोई गली नहीं बचेगी जहाँ पर लोग जिंदगियाँ नहीं बनाएंगे, सच है कि नहीं? तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर को स्टेज पर कॉल करना चाहूँगा वापस, लवने सर को, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर के लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू भाई जी। जरा ना भाई जी, करंट आ रहा अभी तक? आ रहा है कि नहीं आ रहा? खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा? मुंह तक आ रहा है यार, पूरा खून उबाल मार रहा है, सही कि नहीं है? चलिए दोस्तों, आगे की कार्रवाई करने के लिए आगे की बहुत सारी रिकॉग्निशन है, कई सारे लोगों ने मेहनत करी है, तो उन सबको बुलाने के लिए मैं सर को कॉल करना चाहूँगा। आपके बीच के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी पर्सनलिटी वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार की बात है, मही जी मेरे पास बैठे थे और मैंने मही जी को एक बात कही कि मही जी तुम्हारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? बोले सर मुझे कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है। मैंने कि क्या? बोले सर मेरी मदर ने बहुत संघर्ष किया है, मेरी मदर ने बहुत तकलीफ सही है, मेरी मदर ने हम दोनों भाइयों को पालने के लिए बहुत सारा मतलब जाने क्या क्या किया है। तो मैंने, तुम क्या करना चाहते हो? बोले सर मैं मेरी मदर के 20 साल 25 साल की तपस्या को पूरा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी मदर ने अगर 23 25 साल नरक देखा है तो आने वाले 23 25 साल तक मैं उसे स्वर्ग दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा मई जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया सोच है।